प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम सभी लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन को, उसी क्रम में प्यारे साथियों हम सभी लोगों ने वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज, आयत और वर्ग को पढ़ लिया है। आज प्यारे साथियों हम लोग उसी क्रम में यहाँ पर पढ़ेंगे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो आइए प्यारे साथियों हम सभी लोग आज के सेशन की शुरुआत को करेंगे सम चतुर्भुज के साथ। तो सभी लोग दोस्तों यहाँ पर हेडिंग कर लेना है आपको सम चतुर्भुज। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ पे आप सभी लोगों को प्यारे साथियों सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग कर लेना होगा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में प्यारे साथियों चारों भुजाएं यहाँ पर होती हैं बराबर, लेकिन जो आंतरिक कोण होंगे दोस्तों वो यहाँ पर 90 अंश के नहीं होंगे। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होंगे वह एक दूसरे को साथियों 90 डिग्री पर काटेंगे। तो इस बात को आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्यारे साथियों। आइए तो ये साथियों आपका यहाँ पर सम चतुर्भुज है, ये यहाँ पर प्यारे साथी आपका सम चतुर्भुज हो जाएगा, ए बी सी डी। ये प्यारे साथियों इसका यहाँ पर एक विकर्ण आपका हो जाएगा डी वन। ये प्यारे साथियों यहाँ पे आपका इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा जिसका नाम है यहाँ पर डी टू। भुजा की बात करें अगर आप प्यारे साथियों तो चारों भुजाएं यहाँ पर समान होंगी, यानी अगर ए ये भुजा होगी तो ए आपका प्यारे साथी यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ए प्यारे साथी आपका यहाँ पर ये भी होगा और ए ही प्यारे साथियों यहाँ पे आपका ये भुजा भी हो जाएगी। यानी यहाँ पर प्यारे साथियों अगर मैं आपसे बात करूँगा सम चतुर्भुज के परिमाप की, तो आप प्यारे साथी यहाँ पर कह सकते हैं कि सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर, सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर भुजा गुणे चार, भुजा गुणे चार। इसके बाद प्यारे साथी अगर मैं यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की बात करूँगा तो क्षेत्रफल बराबर साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा एक बटे दो गुणे विकर्णों का, एक बटे दो गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का प्यारे साथियों यहाँ पर गुणनफल। या दोस्तों आप इसी बात को यहाँ पर इस रूप में कह सकते हैं कि एक बटे दो इंटू डी वन इंटू डी टू, जहाँ पर प्यारे साथी आपका डी वन हो जाएगा पहला विकर्ण और डी टू साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज में प्यारे साथियों यहाँ पर आपका विकर्ण और भुजा में एक विशेष संबंध होता है, क्या होता है दोस्तों आइए उस बात को हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। तो यहाँ पे साथियों अगर भुजा और विकर्ण के संबंध की बात आपसे की जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका होता है दोस्तों a बराबर अंडर रूट डी वन स्क्वायर प्लस का डी टू स्क्वायर बटे में प्यारे साथी आपका हो जाएगा दो। इस पूरी बात का प्यारे साथियों आप सभी को यहाँ पर लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलते हैं सम चतुर्भुज के दोस्तों प्रश्नों की ओर। चलिए आइए साथियों अब मैं आपसे यहाँ पर प्रश्नों की बात करता हूँ। पहला प्रश्न प्यारे साथी आज के लिए आपका ये रहा, जिसमें आपसे कहा गया है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रश्न में प्यारे साथियों अगर आप यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणे
D1 और गुणे D2। यानी दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2 गुणे D1 का मान यहाँ पर प्यारे साथियों आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और D2 का मान यहाँ पे आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। 2 से आप यहाँ पे साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 12 यानी 15 × 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न के मैं आपसे बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में प्यारे साथियों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की माप क्या होगी। दूसरे विकर्ण की माप दोस्तों यहां पर क्या होगी। तो आप सभी को प्यारे साथियों यहां पर पता है कि इसके क्षेत्रफल का दोस्तों जो आपका फार्मूला होता है वह होता है 1/2 × D1 × D2। क्षेत्रफल प्यारे साथियों आपके प्रश्न में यहां पे आपको दिया गया है 48, यानी आप कह सकते हैं यहां पे कि 48 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 × एक विकर्ण भी यहां पे दोस्तों आपको दिया गया है 12, तो आप कह पाएंगे यहां पे गुणे 12 हो जाएगा साथियों, गुणे आप यहां पे कह सकते हैं D2। 2 से आप काटेंगे 2 × 12, 6 से आप यहां पे दोस्तों कट करेंगे तो 6 × 48 यानी यहां पे साथियों आपका जो D2 का मान आएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस बात का भी प्यारे साथी आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग लेंगे अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहां पर अब मैं आपसे बात करूंगा। क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपसे यहां पर कहा गया है कि उस समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो उसकी भुजा प्यारे साथी यहाँ पर कितनी होगी, ये बात आपसे इस प्रश्न में पूछा है। तो भुजा और विकर्णों के संबंध की प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आप सभी को दोस्तों पता है कि यहाँ पे आपका साथियों हो जाएगा a√D1² + D2² और 2/2 आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा a√√ के अंदर D1 का मान साथी यहाँ पर दिया गया है 12, तो 12² प्लस D2 का मान यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है 16, तो 16² 2/2 आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी आप कह पाएंगे यहाँ पर कि 12² आपका 144 हो जाएगा दोस्तों, 16² यहाँ पे आपका हो जाएगा 256 और 2/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। तो √6 और 4 आपका दोस्तों 10 की 0 हासिल आया 1, 5 × 6 और 4 10 की 0 हासिल आया 1, 2 × 1 = 300 और 2/2 400 का वर्गमूल यहाँ पे आपका साथियों हो जाएगा 20, यानी ये आपका हो जाएगा 20/2 यानी आप कट करेंगे प्यारे साथी तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी आप कह पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आपकी समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी
वो हो जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस बात का भी आप सभी, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस सम चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों, जिसके विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हैं। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है D1 का मान प्यारे साथी, यानी पहला विकर्ण आपको दिया गया है सवाल में 120 सेंटीमीटर। D2 का मान भी प्यारे साथी यहाँ पर इस प्रश्न में आपको दे रखा है 90। तो आप यहाँ पे कह पाएंगे प्यारे साथी कि D2 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। सबसे पहले आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग भुजा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो A बराबर प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट का D1 स्क्वायर प्लस का साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा D2 स्क्वायर बटे में यहाँ पे साथी आपका हो जाएगा 2। यानी आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस का दोस्तों आपका हो जाएगा 90 का स्क्वायर बटे में आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा ये 2। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे कह सकते हैं कि 120 का स्क्वायर ये आपका 12 का स्क्वायर 144,000 यानी 14,400 प्लस का साथियों ये आपका हो जाएगा 9,981,100 और बटे में आप यहां पे कह पाएंगे दोस्तों हो जाएगा आपका 2। आगे साथियों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा अंडर रूट 20 से साथियों आप 20 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, 8 और 4 12 की 2 हासिल आया 1, 1 और 1 का आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटे में साथियों यहाँ पर लिखा गया है 2। 225 का वर्गमूल साथियों यहाँ पर 15 होगा, 00 है साथियों, अगर इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, बटे में आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों 2। 2 से आप अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। यानी प्यारे साथियों यहाँ पर जो आपकी भुजा आई है वह आ गई है 75 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर भुजा नहीं पूछी गई है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है परिमाप। तो अगर प्यारे साथियों यहाँ पे आप अगर परिमाप को निकालेंगे तो परिमाप बराबर आप सभी को पता है होता है 4 गुणे भुजा। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि 4 गुणे भुजा का मान दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 75। यानी ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 300 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सबको इसी बात का, फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की माप
8 सेंटीमीटर है तब प्यारे साथियों उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल में प्यारे साथियों आपको यहां पर a का मान दिया गया है, d1 का मान दिया गया है। क्षेत्रफल साथियों आप सभी लोग यहां पर तभी निकाल पाएंगे जब आप सभी को दोस्तों यहां पर d2 का मान पता होगा। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आइए हम लोग यहां पर d2 का मान निकाल लेंगे, जिसके कारण हम यहां पर इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को बड़े ही आराम से कैलकुलेट कर पाएं। बहुत ही ध्यान से दोस्तों आप सभी लोग यहां पर समझेंगे। a की वैल्यू साथियों यहां पे आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, d1 प्यारे साथियों आप सभी को यहां पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, d2 प्यारे साथियों यहां पे नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपका यहां पर यह होगा कि आप सभी लोग प्यारे साथियों यहां पर d2 को कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी को दोस्तों यहां पे पता है कि a बराबर आपका यहां पर हो जाएगा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर बटे में प्यारे साथी आपका यहां पर हो जाएगा 2। यानी आप दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 2a बराबर अंडर रूट के अंदर d1 स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर। तो a का मान प्यारे साथियों यहां पर आपके प्रश्न में आपको दिया गया है 5, लेकिन एक काम कर लेते हैं दोस्तों यहां पर पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो अगर आप साथियों यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर, यहां से दोस्तों आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका बचेगा प्यारे साथी d1 स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर। अब साथियों आपको यहां पर वैल्यू को रख देना है, जो वैल्यू जिसकी आपके सवाल में यहां पर दोस्तों आपको दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4 × साथियों a का मान आपको यहां पर दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर d1 का मान साथियों यहां पे आपको 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस आपका यहां पर दोस्तों हो जाएगा d2 का स्क्वायर। तो आप यहां पे कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 × 25 = 100 बराबर ये आपका साथियों हो जाएगा 64 और प्लस का दोस्तों d2 स्क्वायर। तो यहां से आप कह पाएंगे कि ये आपका बन जाएगा d2 स्क्वायर बराबर 100 − 64, ये आपका आएगा साथियों d2 स्क्वायर बराबर घटाएंगे आप तो 36, तो यहां से d2 बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा अंडर रूट का 36, यानी ये आपका साथियों यहां पर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो d1 साथियों आपके सवाल में दिया गया था, a दिया गया था, उन दोनों की सहायता से प्यारे साथियों आपने यहां पर d2 को कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों जैसा कि आपको सवाल में पूछा गया है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर प्यारे साथी आपका यहां पर होता है 1/2 d1 × d2, यानी आप कह पाएंगे कि 1/2 × दोस्तों d1 का मान आपके सवाल में 8 दिया गया है, d2 को प्यारे साथी आपने यहां पर कैलकुलेट किया है 6। अगर 2 से दोस्तों आप कट करेंगे यहां पे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी 8 × 3 साथियों आपका यहां पर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को इस बात का। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्यारे साथियों आपसे यहां पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों। फिर आपसे कह रहा है कि इसका एक विकर्ण दूसरे का आधा है,
इसका एक विकर्ण दूसरे का आधा है, आधा है तो विकर्णों का योगफल, विकर्णों का योगफल और परिमाप, और परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ये प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपके प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई है, फिर उन्हीं दी गई चीज़ों की सहायता से प्यारे साथियों हम लोग निकालेंगे उन चीज़ों को जो यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो आपके प्रश्न में यहाँ पर साथियों आपको क्षेत्रफल दे रखा है 256, तो आप लिख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 256 वर्ग सेंटीमीटर। D1 की बात अगर आप प्यारे साथियों करें, D2 की बात करें, तो आपके सवाल में यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि एक विकर्ण दूसरे का आधा है। यानी प्यारे साथियों अगर यहाँ पर दूसरा विकर्ण मैं 2x कह दूँ, प्यारे साथियों अगर दूसरे विकर्ण को दोस्तों यहाँ पर मैं 2x कह दूँ तो मेरा जो पहला विकर्ण है इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्यारे साथी आपका हो जाएगा x। इसके बाद प्यारे साथी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा 1/2 गुणे D1 और इनटू D2। यानी प्यारे साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्रफल आपके सवाल में दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है 256, फिर साथियों आपका ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे D1 का मान प्यारे साथियों आपने यहाँ पर x एज्यूम किया हुआ है, D2 का मान प्यारे साथियों यहाँ पर आपने मार रखा है 2x। दो से प्यारे साथियों यहाँ पे अगर आप 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा x² बराबर 256। यानी x बराबर प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा √ 256, यानी ये आपका प्यारे साथियों यहाँ पर आएगा 16। तो x का मान प्यारे साथी यहाँ पर आपका आ गया 16। अब आपको साथियों यहाँ पर आप D1 भी निकाल सकते हैं, D2 भी। तो D1 साथियों इसका मतलब आपका x है तो ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और D2 साथियों यहाँ पे आपका 2x है, यानी ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 2 × 16 यानी 16 × 32 सेंटीमीटर। ये प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा D2। D1 और D2 दोनों को प्यारे साथियों अब आपने यहाँ पर निकाल लिया है। आपके सवाल में दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि D1 और D2 का योग क्या होगा, तो अगर आप प्यारे साथियों यहाँ पर योग को निकालेंगे तो योग आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा D1 प्लस का D2, यानी ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 16 और प्लस का 32, यानी 6 × 2 = 8, 3 × 1 = 4, यानी ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे एक बात और पूछी गई है सवाल में कि इस सम चतुर्भुज का यहाँ पर परिमाप कितना होगा, तो आइए साथियों हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं सबसे पहले परिमाप को भी। तो अगर आप साथियों यहाँ पर परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाता है भुजा गुणे 4। भुजा की बात साथियों अगर आप विकर्ण के संदर्भ में यहाँ पर करेंगे तो आपका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा √D1² प्लस का D2² 2 और गुणे साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 से आप साथियों कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी ये आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा 2√D1² प्लस का दोस्तों D2² तो ये आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा 2√ के अंदर D1 का मान प्यारे साथियों आपने यहाँ पर निकाला हुआ है 16, तो ये आपका हो जाएगा 16² प्लस साथियों आप यहाँ पर D2 का मान आपने निकाल रखा है 32, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 32² आप साथियों यहाँ पे कह पाएंगे कि 2√ के अंदर ये आपका साथियों हो जाएगा यहाँ पर 16² 256। अगर आप साथियों यहाँ पर 32 की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 × 3 = 9 = 10, यानी 1024। तो 256 दोस्तों और प्लस का ये आपका हो जाएगा 1024। दोनों को साथियों अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2√ के अंदर अगर आप जोड़े दोस्तों इसको तो ये आपका हो जाएगा 6 × 4 = 10 की 0 हासिल आया 1, 2 = 1, 3, 5 + 3 आपका साथियों हो जाएगा 8, ये आपका 0 और ये आपका साथियों 1,
यानी दो अंडर रूट के अंदर दोस्तों आपका आ जाएगा 1080। इसको साथियों यहां पर हम थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं प्यारे साथी, तो आइए इसको और थोड़ा सा हम लोग तोड़ लेते हैं। तो दो अंडर रूट का साथियों यहां पे आपका बना हुआ है 1080। अगर साथियों आप और तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और इंटू का साथियों आपका ये हो जाएगा 90, क्योंकि बार नवैया 108 होगा, तो ये आपका यहाँ पे साथियों 10 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका टूटेगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये आपका साथियों यहाँ पर टूट जाएगा 3 × 9 = 3, 5 × 45 और 2 दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 90। तो यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका दो साथियों यहाँ पे दो का आपका पेयर बन जाएगा, 3 का साथियों यहाँ पर आपका पेयर बन जाएगा, यानी 3 × 2 = 6 साथियों आपका बाहर हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा बाहर। अंडर रूट के अंदर प्यारे साथी आपका 3 × 5 = 15 और 15 × 2 = 30, यानी 12√30 सेंटीमीटर प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर। स्क्रीन शॉट लेना है दोस्तों आप सभी को, फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों अगले कॉन्सेप्ट की आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को दोस्तों अब यहाँ पर हेडिंग कर लेनी है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर प्यारे साथियों आपकी आमने सामने की भुजाएं जैसा कि आपकी आयत में होता है समान होती हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आपके आंतरिक कोण होंगे वह 90 अंश के नहीं होंगे। अगली बात दोस्तों आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि अगर समांतर चतुर्भुज में आप एक विकर्ण को बनाएंगे तो वह विकर्ण दोस्तों समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांट देगा। तो आइए साथियों इसको यहाँ पर रचना कर लेते हैं हम लोग एक समांतर चतुर्भुज की। ये साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अगर इस भुजा को प्यारे साथी यहाँ पर ए कह दिया जाए तो इस भुजा को यहाँ पर हम बी कह सकते हैं, और ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगी आधार। अगर इस भुजा को ए को प्यारे साथियों यहाँ पे हम मिला दें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगी यच यानी ऊंचाई, तो ये आपका प्यारे साथियों यहां पर हो जाएगी ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों यहां पर इसका, तो अगर आप यहां पर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आप कह सकते हैं यहां पर कि आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसके अलावा प्यारे साथी मान लीजिए अगर यहां पर मैंने ए से लेकर सी तक एक विकर्ण डाल दिया दोस्तों, और आपके विकर्ण की लंबाई यहां पर मैंने कह दिया सी, अगर साथियों आपके विकर्ण की लंबाई यहां पर हो जाए सी, तो आप यहां पर कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपका एसी विकर्ण बना है यह इस समांतर चतुर्भुज को साथियों 2 भागों में बांटेगा, और इसका जो क्षेत्रफल अब हो जाएगा प्यारे साथी क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा सी, सी माइनस का प्यारे साथियों यहां पे आपका हो जाएगा। हालांकि आप दोस्तों यहां पे एक बात और कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा आपका यहां पे एक ट्रायंगल बन जाएगा दोस्तों ये, जिसमें कि ये आपका ए, ये आपका यहां पर हो जाएगा बी, ये आपका प्यारे साथियों यहां पर हो जाएगा सी, ये प्यारे साथियों यहां पे आपका बन जाएगा एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपका होता है अर्ध परिमाप वह होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अर्ध परिमाप साथियों निकाल लेंगे, फिर अगर इसके क्षेत्रफल का आप दोस्तों डबल कर देंगे तब भी आपके इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्षेत्रफल बराबर 2 अंडर रूट के अंदर यस यस माइनस ए यस माइनस बी
और यस माइनस सी। इस प्रकार से भी प्यारे साथियों आप इस आकृति का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए इसके परिमाप के बारे में, तो इसका जो परिमाप होगा दोस्तों वो सेम है साथियों आपका आयत की तरह हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 2 a + b। विकर्ण और यहाँ पर साथियों अगर मैं आपसे भुजा के बारे में संबंध की बात करूँ तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा d1² + d2² = 2 a² + b²। तो इस बात का प्यारे साथी आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब हम लोग यहां पर चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहां पर ये रहा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है साथियों कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार की माप 20 सेंटीमीटर है और आधार से इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर प्यारे साथी अगर आप क्षेत्रफल को निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार साथियों आपके सवाल में यहाँ पर 20 दिया है, ऊंचाई साथियों यहाँ पे आपको दी गई है 8, यानी ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 20 × 8 = 160 cm². स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आपको। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब आपसे यहाँ पर मैं बात करूँगा अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में प्यारे साथी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार तो आपको दिया गया है लेकिन ऊंचाई प्यारे साथियों यहाँ पर गायब है। तो ऐसे केस में साथियों आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आइए इस प्रश्न में समझते हैं और ऐसे ही आपको आगे साथियों इस प्रकार के प्रश्नों में यही तरीका लगाना है दोस्तों। तो आइए बहुत ही ध्यान से आप समझिए, ये आपका यहाँ पर दोस्तों हो गया समांतर चतुर्भुज,
ए बी सी और डी। यहाँ पर साथियों लंबाई आपको यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये आपका साथियों बेस हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर साथियों ये आपकी एक भुजा हो गई, और 15 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर आपको एक विकर्ण की लंबाई दी गई है। यानी साथियों ये आपका हो गया ए, ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो गया बी, और ये आपका साथी यहाँ पर हो गया सी। ए का मान आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर, बी का मान यहाँ पर साथियों 12 सेंटीमीटर, और सी का मान दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमने साथियों आपको बताया था कि अगर समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण डाला जाए तो वह विकर्ण उस चतुर्भुज को साथियों दो भागों में बांटेगा। यानी अगर इस ए बी सी के एरिया का प्यारे साथियों डबल कर दिया जाए तो आपके पूरे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर के सामने आ जाएगा। तो आइए साथियों यहाँ पर हम इसके क्षेत्रफल की सबसे पहले गणना कर लेंगे दोस्तों। तो अगर यहाँ पे साथियों हम सबसे पहले यस यानी अर्ध परिमाप को निकालेंगे तो यस बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी बटे में दो। तो आप साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि 9 प्लस का 12 प्लस का 15 बटे में यहाँ पर साथियों हो जाएगा 2। तो 15 और 10 25, 25 और 2 27, 27 और 9 साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 36। यानी ये आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 36 बटे में 2, यानी ये आपका यहाँ पर आएगा 18 सेंटीमीटर। ये आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अर्ध परिमाप। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 2 अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू साथियों अगर आप यहाँ पर पुट अप करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 अंडर रूट के अंदर। S का मान साथियों आपने यहाँ पर निकाल रखा है 18, तो 18 माइनस A का मान प्यारे साथी 9, B का मान साथियों यहाँ पे 12, और C का मान साथियों दिया गया है यहाँ पर 15। तो आप यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 2 अंडर रूट के अंदर ये आपका दोस्तों हो जाएगा 18 गुणे 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 18 में से 12 गया 6, और 18 में से 15 गया दोस्तों आपका हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका 18 त्रिक्का 54 हो रहा है, ये आपका साथियों 9 6 54 हो रहा है। यानी इसका जो रूट निकल के आएगा प्यारे साथियों 54 की पेयरिंग बन रही है तो 54 आपका हो जाएगा बाहर। यानी आप कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 गुणे 54, यानी 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 108 वर्ग सेंटीमीटर प्यारे साथियों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार की माप 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है और आधार से इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
तो आप सभी लोग प्यारे साथियों यहाँ पर बहुत ही आराम से कह पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर कह पाएंगे कि आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है 12 और ऊंचाई आपको दी गई है 6, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बरछंग 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर और लेंगे होमवर्क के रूप में। ये प्रश्न रहेगा साथियों आप सभी के लिए, ये आपका दोस्तों यहां पर एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसकी माप यहां पर प्यारे साथियों आपकी है 12 सेंटीमीटर, ये साथियों यहां पे आपका है 15 सेंटीमीटर और विकर्ण की माप प्यारे साथियों यहां पर आपको दी गई है 17 सेंटीमीटर। तो आप सभी को प्यारे साथियों यहां पर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सभी को बताना है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सभी लोग यहां पर इसका क्षेत्रफल रिप्लाई करेंगे। दोस्तों मिलते हैं साथियों कल की क्लास में इसी समय, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।